हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ व्रत में खाए जाने वाला आलू का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनाए हैं। बनाना बहुत ही सिंपल है, इसे हम कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाते हैं और इसे हम व्रत में ही नहीं, नॉर्मल भी कभी भी बनाकर खा सकते हैं। यूँ भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आलू का हलवा कैसे बनाएँ। सो फ्रेंड्स, आलू का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं। 1/4 कप ले लिया है हमने घी। अभी हम 1/4 कप डालेंगे, फिर बीच में 1/4 कप और डालेंगे, मतलब टोटल आधा कप डालेंगे। यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, काजू और बादाम को। आप और भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अभी हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। सारे आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब एक कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें 1 चम्मच डाल दिया है घी। घी में हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा इसे हम 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। और ये रोस्ट हो गए हैं, अब एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में हम 1/4 कप डालेंगे घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम आलू को डाल देते हैं। अभी पहले हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर इसको रखेंगे तो ये जलने का डर रहेगा और टेस्टी नहीं बनेगा। इसे लो फ्लेम पर ही हमें बनाना है और लगातार इसे चलाते रहना है। और तब तक हम साइड में एक पैन रख देते हैं। और पैन में हमने 1/4 कप दूध डाल दिया है। दूध को अच्छे से गर्म होने देना है और साइड से हम आलू के हलवे को भी चलाते रहेंगे, नहीं तो लग जाएगा। दूध यहाँ गर्म हो गया है, अब इसमें हम केसर डाल देते हैं और गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं, चला देते हैं चम्मच से। हलवे को लगातार चलाते हुए 5 मिनट हो गई है। अब इसमें हम 1/4 कप घी और ऐड करेंगे और लगातार इसे चलाते रहना है। कम से कम 10-12 मिनट और चलाना है, जब तक इसमें से घी रिलीज ना होने लगे और आलू के हलवे का कलर भी चेंज ना हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। और गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो ही रखना है। जितना हम इसे चलाएंगे और घी में अच्छे से पकाएंगे, उतना ही आलू का हलवा टेस्टी बनेगा। सो फ्रेंड्स, 10 से 12 मिनट और हो गई है और देख सकते हैं आप, घी भी रिलीज होने लगा है हलवे में से। अब इसमें हम चीनी और दूध ऐड कर देंगे, केसर वाला। तो ये 1/3 कप में चीनी ऐड कर रही हूँ, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये केसर वाला दूध भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक इसमें चीनी अच्छे से घुल ना जाए। और लगातार चलाते रहना है, आलू का हलवा थोड़ा सा थिक ना हो जाए, इसे हमें 2 से 3 मिनट तक चलाते रहना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आलू का हलवा एकदम गाढ़ा हो गया है, इसका टेक्सचर भी बिल्कुल सही है और घी भी रिलीज होने लगा है। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसमें हम 1/4 चम्मच डालेंगे इलायची का पाउडर, मिक्स कर लेंगे। और ये आलू का हलवा बनकर रेडी है। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। तो ट्रांसफ़र कर लिया है, इसके ऊपर डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। और आप अपने कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट ऐड करने से ये काफ़ी अच्छा दिखता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आलू का हलवा बनाना बहुत इजी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।